90 के दशक की बात है, फिल्म मेकर सुभाष घई के यहाँ होली की पार्टी थी। फिल्म इंडस्ट्री से नए पुराने लोग शरीक हुए थे, उन्हीं में से एक थी मोनिका बेदी। तब तक उनकी पहली हिंदी फिल्म सुरक्षा आ चुकी थी, उन्हें डिस्कवर किया था मनोज कुमार ने। वो मोनिका के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन वो कभी बन ही नहीं पाई। खैर, पार्टी में मोनिका को राकेश रोशन ने देखा, वो उनके पास आए, दोनों में थोड़ी बहुत बातें हुई, हालचाल टाइप। फिर राकेश रोशन ने उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड थमा दिया, कहा कि कल मुझसे आकर मिलो। मोनिका बताती है कि उन्हें नहीं मालूम था कि वो फिल्में भी बनाते हैं। राकेश रोशन के कार्ड देने पर उन्हें शक हुआ कि वो एक एक्टर हैं, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में मोनिका ने ये किस्सा बताया। उन्होंने कार्ड फाड़ कर फेंक दिया, बात आई गई हो गई। कुछ महीनों बाद मोनिका के मैनेजर उनके पास आए, पूछा कि तुम राकेश रोशन से मिलने क्यों नहीं गई। उनका जवाब था कि मैं क्यों ही जाऊंगी। फिर मैनेजर ने बताया कि वो करण अर्जुन नाम की फिल्म बना रहे हैं, वो फिल्म में तुम्हें सलमान खान के ऑपोजिट ममता कुलकर्णी वाले कैरेक्टर के लिए लेना चाहते थे। मोनिका ने बताया कि उन्हें करियर की शुरुआत में समझ नहीं थी, उन्हें पता नहीं था कि कौन सी ए ग्रेड फिल्में होती हैं और कौन सी बी ग्रेड फिल्में। उन्होंने राकेश रोशन को सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग करते देखा, इस वजह से उनके नियुक्ति पर उन्हें शक हुआ कि एक एक्टर को भला उनसे क्या काम। करण अर्जुन आगे चलकर बहुत बड़ी फिल्म बनी, शाहरुख, सलमान, काजोल और ममता कुलकर्णी के करियर की यादगार फिल्मों में से एक। हालांकि मोनिका कहती हैं कि उन्हें ऐसे फैसले पर कोई अफसोस नहीं, मानती हैं कि उनमें समझ कम थी, उसके चलते उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। मोनिका ने इसी इंटरव्यू में बताया कि उनकी परवरिश नॉर्वे में हुई थी, उन्हें डांस करने का खासा शौक था, उस पैशन को फॉलो करते हुए वो फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे तक पहुंच गई। यहाँ उन्हें मनोज कुमार ने पहली बार देखा, फिल्म ऑफर कर दी, लेकिन 1 से 1.5 साल तक उस फिल्म पर कोई काम नहीं हुआ। नतीजतन उन्हें साउथ का रुख करना पड़ा, वहाँ उन्होंने ताजमहल नाम की तेलुगु फिल्म से अपना डेब्यू किया था। ये इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी अमन ने। मैं हूँ मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।